हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। सभी को गुड मॉर्निंग। तो हम लोग का जो चैप्टर चल रहा है परसेंटेज, बहुत ही बेहतरीन चैप्टर चल रहा है। ठीक है, लास्ट के कुछ एक दो वीडियो बचे होंगे, बाकी पूरा चैप्टर खत्म हो गया है। हमने पहले एग्जाम्पल बताए हैं, फिर एक एक करके क्वेश्चन बताए हैं, सभी एक एक क्वेश्चन बताया गया है आपको। ठीक है, जिसने भी वीडियो नहीं देखी पहले वीडियो देख ले। अभी इस वीडियो में क्या मिलेगा, इस वीडियो में आपको स्पेशली मिलेगा, जितने भी मिसलेनियस तरह के क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में आते हैं, जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं, उनको हम लोग देखेंगे कि परसेंटेज के क्वेश्चन एग्जाम में कैसे पूछता है, जो हम लोग स्पीड टेस्ट देते हैं उसमें किस तरह से हम लोग क्वेश्चन पूछते हैं परसेंटेज के। ठीक है, तो ये वीडियो आपको पूरा पूरा एक व्यू बनाएगी कि एग्जाम में किस तरह से परसेंटेज का क्वेश्चन आता है, क्योंकि परसेंटेज का क्वेश्चन कहीं ना कहीं जैसे वर्क एंड टाइम में दे देगा, बोर्ड एंड स्ट्रीम में दे देगा, ठीक, कहीं ना कहीं वो को रिलेट कर देगा। ठीक है, तो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे किस तरह से परसेंटेज के क्वेश्चन हम लोग के एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए। अच्छा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट करके बताइएगा वीडियो आपको कैसी लग रही है, जो हम लोग का एक एक क्वेश्चन बताने की ट्रिक चल रही है, वीडियो चल रहे हैं, ठीक, वो कैसे लग रहे हैं वो बता सकते हैं, आपको कोई परेशानी तो वो बता सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हम लोग का आज का, कि ये बेटा एक एसटी है ऑली बोर्ड की, तो ऑली बोर्ड की एसटी बैंक वाली एसटी में दिया गया है क्वेश्चन। कह रहा है कि पहला क्वेश्चन है हम लोग का आज का, कह रहा है 800 का 45% माइनस 320 का। अच्छा, आज वाली वीडियो इसलिए भी स्पेशल है क्योंकि आपको जब ये क्वेश्चन हम लिख रहे हैं तो आपको यहाँ पे राइट स्क्रीन में दिखेगा भी क्वेश्चन कि क्या है क्वेश्चन। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, ताकि आप आराम से देख पाओ कि हाँ ये एसटी दी गई है और इसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसके चार ऑप्शन भी आपको आराम से दिख जाएंगे। ठीक है, तो देखिए, तो कह रहा है 800 का 45% माइनस 320 का 35% किसके बराबर होगा। अब देखिए, इसको एकदम आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। क्या कह रहा है, 800 का 45/100 माइनस 320 का 35/100। अब देखिए, इसको जीरो जीरो काट रहा है, ये 5 से कट सकता है, यहाँ 7 आएगा, यहाँ 2 आएगा, 2 से काटोगे 16 आ जाएगा। ठीक, इसमें आओ, ये जो दो जीरो कट गया, 45/80 कितना होता है, 9 चौको 36, 36 होता है, 360 होता है, माइनस लेस क्या करना है, कितना आ जाएगा, 112। कोई दिक्कत तो नहीं, कोई दिक्कत आ रहा है समझ में अच्छे से, बस इसमें इसको लेस कर दी, वही आंसर आ जाएगा। अब देखिए, 12 में 48 48 आएगा और 3 में 1 गया, 248 आएगा। कोई दिक्कत तो नहीं आ गया होगा समझ में आपको अच्छे से। ठीक है, किसी को कोई भी दिक्कत नहीं आ रही होगी, आपको समझ में आ रहा होगा, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा आराम से। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, तो दूसरा नंबर क्वेश्चन भी आपकी राइट स्क्रीन पे है। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी सी डी चार दोस्त हैं, किसी धनराशि को इस प्रकार वितरित करते हैं कि बी को कुल राशि का 20% मिलता है। अब देखिए, बी को कुल राशि का 20%, दूसरा क्वेश्चन है, बी को कुल राशि का 20%, इसका मतलब 20% बी को मिल गया, चलो कोई बात नहीं। सी को, ए है उसके बाद, ए को शेष राशि का 45। अब देखिए, 20 तो इसको मिल गया है, तो ए के लिए कितनी बची होगी, ए के लिए पहले 80 आई होगी ना, शेष राशि क्या होगी, 80 आई होगी, तो 80 का 45% मिलता है, 80 का 45%, तो 80 का 45% कर लोगे, 4 आएगा, यहाँ 5 आएगा, 5 से काटोगे 9 आ जाएगा, 9 चौको 36, कितना परसेंट मिल गया इसको, 36% इसको मिल गया। ठीक है, डी को शेष राशि का 75%। अब देखिए, डी के लिए कितना बचा है, पहले समझिए, 80 बचा था ए के लिए, तो डी के लिए कितना आएगा, तो 80 में पहले हम लोग 36 घटा तो दें, उतना ही तो बचेगा बेटा। अब देखिए, 80 में 36 घटाएंगे 4 आ जाएगा, और 7 में 3 गया तो 4 आ जाए, 44% बचे, कितना बचा डी के लिए, 44%। अब लेकिन डी को शेष राशि का 75% मिला, कितना मिला, 75%, तो इसका भी 75% करना पड़ेगा, 75/100, ये 3/4 हो जाएगा, 3/4 करोगे तो कट जाएगा, 11 आ जाएगा, 11 3 33, इसका मतलब डी को 33% आपको मिला है। बी का पता चल गया, ए का पता लग गया, डी का पता लग गया, और सी को शेष राशि कितनी, 1650 रुपये, सी को 1650 रुपये प्राप्त हुए। अब सी के लिए बचा कितना था बेटा, बताइए सी के लिए कितना बचा था, देखिए एकदम आराम से आप यहाँ पे, तो ए बी के लिए 20% था, ये तो पता चल गया, बी के लिए 20%, ए के लिए जो शेष राशि बची थी उसका 45% हो गया। ठीक है, जबकि डी के लिए क्या हुआ है, जो शेष राशि बची है, शेष राशि कितनी 44 बची है, 44 बची है ना, अब 44 का 75% मतलब 33 मिला, 33% मिल गया। अब इसके बाद बची राशि किसको मिली है, इसके बाद जो बची राशि वो किसको मिलेगी बेटा, वो मिलेगी अपनी सी को, सी को कितनी मिली है, 165 मिली है। तो देखिए, अब सी के लिए बचा क्या होगा, अगर सी के लिए बचे में देखते हैं तो 20 इसको हो गया, 36 इसको हो गया, 33 इसको हो गया, सबको जोड़ देंगे, वही आंसर है, वही सी को मिलना है। देखिए कितना, 20 100 में से घटा देंगे, वही 100 में से 20 और 36 56 हो जाए, 56 और 33 कितना होता है, 56 और 33
तो 639 आ जाएगा ना, 639 हो गया, और 56 था ना, 56 और 3 89, कोई दिक्कत तो नहीं। 89% अब तक ये मिल चुकी है, 11% बची है। कितनी बची है बेटा, 11%। तो 11 का मान हो गया, 11% का मान है किसके, 1650 के। तो 1% का मान किसके बराबर होगा, 11 से भाग दोगे, 11 इक्यानवे 11 15 150 के। तो 100% किसके बराबर हो जाएगा, तो नहीं कह रहा, 100% किसके बराबर हो जाएगा, 15,000 के। कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक। आगे बात समझ में अच्छे से आपको, पहले आप इसको कैलकुलेशन करेंगे, अच्छे से कैलकुलेशन करेंगे, क्योंकि बिना कैलकुलेशन के क्वेश्चन नहीं होने वाला है, ठीक है। देखिए जैसा क्वेश्चन, जैसा पेपर में दिया गया, जैसा आपको यहाँ दिया गया है, ठीक, उसी तरह से हम लोग ने इसको किया है कि भाई साहब बी दिया गया था 20%, उसके बाद शेष राशि का 45%, डी को शेष राशि का 75%, जो बची अब यहाँ 44 बची थी, 44 के बाद 33, 33 से 11 तो बचेगा, तो इसके लिए 11% का माना जाएगा आंसर, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं, आगे होगा समझ में अच्छे से, ठीक है। जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं दूसरे क्वेश्चन में। चलिए इसे नोट कर लेंगे सब लोग। ओके चलिए इसके बाद देखते हैं। तो राइट में आपको क्वेश्चन देख रहा हूँ ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आ रही हो, और आपको ये भी दिख रहा हो कि यहाँ कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है, ठीक। बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे अपने साथ जो जो क्या कहते हैं, तुक्का लगा देते हैं ना, तुक्का मार देते हैं, बिना करे तुक्का लगा देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको कम से कम बेसिक तो आना ही चाहिए, क्वेश्चन का करने का तरीका आना चाहिए। जब क्वेश्चन नहीं आएगा तब हम लोग तुक्का लगा सकते हैं। अब देखिए इसके बाद देखो, तीसरा क्वेश्चन आपको राइट स्क्रीन पर दिख रहा होगा, कह रहा है ए बी की तुलना में 45% दक्ष है। अब देखिए ए बी की तुलना में 45% दक्ष है, 45% अधिक दक्ष है। अब देखिए पहले 45% दिया गया, इसको एकदम आराम सॉल्व कर लेते हैं। 45/100, 45/100 क्या होता है बेटा, 9/20, 9/20। अब ए और बी के बारे में चर्चा चल रही थी, ए ज़्यादा दक्ष था तो 29 हो गया, ये 20 हो गया। जो बेटा कम होगा वो नीचे वाला होता है, जो ज़्यादा होता है तो उसमें नीचे वाले में ऊपर वाले जोड़ देते हैं, वही होता है, ठीक है। अब कह रहा है कि बी एक काम को पूरा करने में ए से 9 दिन ज़्यादा समय लेता है, इन दोनों का लासा अगर निकालते हैं तो इन दोनों का लासा क्या आ जाएगा, देखिए एकदम सिंपल सी बात है, इन दोनों का लासा आएगा 29/20 आ जाएगा लासा। ऊपर यहाँ 20 आएगा और यहाँ कितना आएगा, 29। ये दोनों, इन दोनों के क्या है, दिन है, दोनों का अंतर कितने का, 9 के बराबर है। और पेपर इसमें भी 9 9 दे रहा है, तो 9 9 दे रहा है, इसका मतलब एक एक आ जाएगा, एक एक मतलब जितने जितने दिन इसमें लिखे हैं। देखिए एक को कितने दिन लगेंगे, एक को 20 दिन लगेंगे, और जबकि बी को कितने दिन लगेंगे, 29 दिन लगेंगे, ठीक है। एक एक दिन पूछ रहा है, एक को कितने दिन लगा, तो एक को कितने दिन लिखा है, 20 दिन आंसर। कोई दिक्कत नहीं, ये बेटा ये क्षमताएं होती हैं, ये क्या होती हैं, ये क्षमताएं होती हैं, तो ये दिन होते हैं, उल्टा होता है। क्षमता हमेशा दिन की क्या होगी, उल्टी होती है। पी बराबर डब्ल्यू अपॉन टी होता है ना, तो पी जो पावर होगी वो टी टाइम की क्या होगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी ना। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, चौथा क्वेश्चन कह रहा है देखिए, एक फल विक्रेता के पास निश्चित निश्चित संख्या में अमरूद है, आपको देख रहा होगा राइट में, जिसमें से 10% सड़े हुए हैं, तो 90% सही है, ठीक है। अब 90% जो सही है वहां शेष के 91%, अब 90 का 91% बेचता है, उसके बाद 405 अमरूद बचते हैं। अभी 91% बेच देता है, ये बेच देता है तो बचेगा कितना, 91 बेच दिया तो 9 बचा, 9%, और ये बराबर किसके, 405 के। अब देखिए 9 0 0 काट देंगे, 9 9 81 होता है, 81 5 होता ही है, तो उसके पास कितने अमरूद थे टोटल, यहाँ आएगा 50, कितना आएगा 50, एक का मान 50 के बराबर, 100 का मान किसके बराबर आएगा बेटा, 5,000, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं, एक का मान 50 के बराबर आ रहा है, एक का मान 50 के बराबर आ रहा है, तो 100 का मान किसके, 500 के बराबर आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे देखते हैं, इसके बाद चौथे के बाद पाँचवा नंबर देखते हैं, हटा दें, नोट कर लीजिए लिखे। वीडियो अच्छी लग रही है तो बेटा लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है, बहुत मेहनत लगती है बेटा, खाली क्लास है उसमें पढ़ा रहे हैं तो पढ़ाने में मन नहीं लगता है, क्योंकि जब बहुत सारे बच्चे होते हैं तब पढ़ाने में, जितनी ज़्यादा जनसंख्या उतना ही ज़्यादा पढ़ाने में मन लगता है, एकदम सिंपल होता है टीचर के लिए, ठीक। अब यहाँ पर खाली हमने पढ़ाने में बहुत अजीब लगता है, ठीक, लेकिन आप लोगों की पढ़ाई के लिए कि आप लोग आराम से पढ़ पाएँ, इसलिए हम लोग ये काम कर रहे हैं। चलिए इसके बाद अगले क्वेश्चन देखते, नोट कर लिया होगा, तो अधिक से अधिक लोगों में शेयर करिए, आप लोग भी अपनी जिम्मेदारी पूरी कीजिए, अधिक से अधिक बच्चों में शेयर कीजिए ताकि वो भी आसानी से पढ़ पाएँ, ठीक है। पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिख रहा होगा आपको राइट स्क्रीन पे, 1500 रुपये का 2 भागों में इस प्रकार से निवेश किया जाता है कि एक भाग का 6%, दूसरे भाग का 5% पर निवेश किया जाता है, तो दोनों भाग में
एक वर्ष में कुल 85 रुपये ब्याज प्राप्त होता है, तो 5% पर कितना निवेश किया गया। देखिए क्वेश्चन बहुत सिंपल है, पाँचवा नंबर है, फिफ्थ नंबर कह रहा है क्वेश्चन कि 1500 रुपये दो भागों में निवेश किया गया, 1500 रुपये हैं, एक पे 6% और एक पे 5%। तो देखिए 6% पे कितना ब्याज मिला होगा, 15×90 ब्याज मिला होगा, और 5% पे 15×75 ब्याज मिला होगा, लेकिन इसमें तो कह रहा है 85 रुपये ब्याज मिला है। तो देखिए इसको सॉल्व कर लेंगे, कितना आएगा, यहाँ से 5 आएगा, वहाँ से 10 आएगा, ये 2 होगा, ये कितना होगा, 1। अब 5% वाला एक वाला है ना, 5% वाला कौन एक वाला है, तो ये टोटल मिला के 3 के बराबर, और 3 मिला बराबर 1500 के, तो एक बराबर किसके होगा बेटा 500 के। तो इसका मतलब है कि 500 ही मेरा क्या होगा आंसर होगा। और दो वाला पूछता तो दो वाला करते हैं, हमसे 5% वाला पूछा तो 5% का मान एक के बराबर, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रहा होगा तो अच्छे से, ठीक। उसके बाद आगे देखते हैं, एक व्यक्ति ने अपने पुराने लैपटॉप को 4500 रुपये में बेचने की योजना बनाई, उसे 10% की हानि हुई, 4500 में बेचा है तो 10% की हानि हुई है, 20% का लाभ कमाने के लिए उसे कितने में बेचना पड़ेगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखिए 4500 में जब उसने खरीदा था तो 10% की हानि हुई थी, और कह रहा है 20% का लाभ चाहिए उसको, तो कितने बेचे, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है ना, ये तो कह रहा है 4500 में बेचा 10% की हानि हुई, 20% का लाभ चाहिए, तो कितने रुपये चाहिए। एकदम सिंपल, देखिए आप 4500 का था, 10% हानि मतलब 90 में हुआ होगा, और 20% का लाभ चाहिए 20 हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं, आगे बताएंगे। 20% का लाभ तो 20 जुड़ता है, और हानि होती है तो क्या होता है घटता है, एकदम सिंपल सर है, ठीक है। अब देखिए इससे इसको काटेंगे, 9×45 50 आ जाएगा, 12×5 60 6000 रुपये आ जाएगा, कितने बेचे 6000 रुपये में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अच्छे समझ में आ रही हो लाइक कीजिए जरूर, जल्दी नोट कर लीजिए इसको भी। हम लोगों को क्वेश्चन जब कभी भी पढ़ना है, क्वेश्चन आप पढ़ा करिए, तो ये सोचा करिए कि आप इसको सबसे सिंपल मेथड से कौन सा लगा सकते हैं जिसमें आपका सबसे कम समय लगे, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन हमेशा याद रखिए, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो वो क्वेश्चन आपका पढ़ा हुआ है, ठीक है, उसकी टाइप के आपने क्वेश्चन पढ़े हैं, आपने प्रैक्टिस कर रखी है अच्छे से, तो फिर वो क्वेश्चन आपको छोड़ने का कभी मन नहीं करेगा, याद रखिएगा ये बात भी, ठीक। अगर आपसे पहली बार में क्वेश्चन हो गया तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो दूसरी बार तब ट्राई करेंगे जब उसके बाद वाला क्वेश्चन आप 2-3 क्वेश्चन कर लोगे, ताकि एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा कि हाँ ये क्वेश्चन जो हमने गलत पहले कर दिया था या नहीं हो पाया था उसको फिर से ट्राई करते हैं, ठीक है। अगर समय हो तो, नहीं तो बेटा देखिए समय क्योंकि नहीं मिलेगा इतना आपको पेपर में कि आप 2 बार ट्राई कर पाओ, पहली बार में ही कोशिश करिए कि सही हो जाए, ठीक। हमने तब भी बताया कि अब जो कोई कोई लोग होते हैं ना अपने एटीट्यूड पे ले लेते कि ये तो मेरा पढ़ा हुआ सब्जेक्ट था तो कैसा नहीं हो रहा है, तो ऐसा नहीं है बेटा, वहाँ पे भी अच्छे जो एग्जामिनर बना रहे पेपर वो अच्छा एग्जामिनर है, अच्छे क्वेश्चन रखे थे, तभी तो आप तभी वो पेपर बना रहा है, सेट कर रहे हैं ना, ठीक। आगे देखते हैं, इसके बाद कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हमको सब कुछ आता है, ये जो जो व्यक्ति ये सोचता है वही व्यक्ति वहाँ रुकता है, वही व्यक्ति वो समय देगा, ठीक। अगर पहली बार में नहीं होगा तो, अगर ये आपके अंदर अभाव आ गया कि हमको तो सब आता है तो ये क्वेश्चन क्यों नहीं आ रहा, ऐसा भाव नहीं आना चाहिए, क्योंकि पेपर एग्जामिनर चाहता है कि आप समय दें उसमें, तो आप दे रहे हो, ठीक है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन सातवां नंबर देखते हैं, क्वेश्चन बहुत बेहतरीन चल रहा है, कह रहा है निकासी वस्तु पर सभी सामान 30% छूट पर बेचे जाते हैं, जो निकासी वस्तु है उस पर सभी सामान 30% छूट पर बेचे जाते हैं, अगर मैं एक वस्तु को 315 रुपये में भुगतान करता हूँ तो उसका अंकित मूल्य कितना होगा। तो देखिए जब कभी एक दुकानदार ने एक स्कीम रखी कि 30% डिस्काउंट मिल रहा है मेरे यहाँ, आके ले जाओ कोई भी सामान आकर के, तो इसका मतलब है 30% डिस्काउंट मिला, इसका मतलब दुकानदार आप कितने में लाए हो, 70% पे लाए हो, कितने में लाए हो 70% पे, अब 70% का मान दिया है 315 के बराबर, 1% का मान 315/70, 100% का मान कितने बराबर होगा, 315×100/70, 7 से भागोगे, 7×28 7×35 कितना जाएगा 450 रुपये, कोई दिक्कत तो नहीं आ रहा होगा समझ में अच्छे से आपको, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं चल रही बेटा, ठीक। अच्छे से आपने क्योंकि जिन लोगों ने वीडियो पढ़े हैं, जिस एक एक वीडियो देखा है, एक एक क्वेश्चन देखा है, एक एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस की है, एक भी क्वेश्चन ये एसटी की हम बता रहे हैं, सारे क्वेश्चन में एसटी बता रहे हैं, जो पिछले साल पूछे गए हैं क्वेश्चन वो क्वेश्चन है इसमें, जितने स्पीड टेस्ट में क्वेश्चन आ रहे हैं वो क्वेश्चन है इसमें, जितने भी अच्छे मिसलेनियस वाले क्वेश्चन हो सकते हैं वो क्वेश्चन लाए हैं, ठीक है, तब आपको आ रहा है समझ में। इसका मतलब आपको ये चैप्टर अच्छे से तैयार हो गया है, ये विश्वास कर लीजिए, बस आपने प्रैक्टिस की है इसलिए आपको तैयार हुआ, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक तैयार नहीं, ठीक। इसके बाद आठवां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आठवां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आपको दिख रहा होगा अच्छे से, एक दुकानदार ने चावल की कुछ मात्रा खरीदी, चावल की 10% मात्रा को बेचने पर 8% की हानि हुई। अब देखिए 100 मात्रा है टोटल ने मान लिया,
और 100 रुपये भी है उसका प्राइस हो गया ये, ठीक है, ये प्राइस है और ये क्या है क्वांटिटी, ठीक, क्वांटिटी 100 है प्राइस भी 100 है। कह रहा है कि 10% मात्रा बेची है तो 10% बेच दिया है, बचा कितना होगा बेटा 90% बचा होगा, ये बचा है ये क्या है पहले की, अब इसको काटोगे तो 1:9 आ जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं, यहाँ तक तो आ गया 10% उसने बेच दिया 9% बचा। कह रहा है जब इतना बेचा है 10% बेचा था तो उसको 8% का प्रॉफिट नहीं हुआ, नुकसान हो गया 8% का, ठीक है, ये दोनों अलग अलग चल रहे हैं बेटा, याद रखिएगा, हम एक लाइन खींच दे रहे हैं बीच से ताकि आपको कोई भी डिस्टर्ब ना हो, ठीक। अब देखिए कह रहा है कि माइनस का 8 क्यों आया है, माइनस का 8 इसलिए आया है, एक मिनट थोड़ा सा ही कर दें ताकि आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो देखिए माइनस का 8 इसलिए आया है क्योंकि उसने बोला है कि 10% बेचा है तो 8% का नुकसान हुआ है, हानि हुई है। तो कह रहा है बाकी सबको कितने पे बेचें कि 10% का मेरा प्रॉफिट हो जाए, तो हमको नहीं पता कितने पे बेचना, हमने एक्स मान लिया उसको। अब देखिए इसको इससे घटाएंगे, इसको इससे घटाएंगे, तो देखिए एक्स में से 10 घटेगा तो एक्स माइनस 10 आएगा, और इसमें इसको घटाएंगे तो क्या होगा बेटा, प्लस जुड़ जाएगा, 18% हो जाएगा, परसेंटेज हटा दिए, परसेंटेज करिए। अब देखिए ये दोनों वैल्यू इन दोनों वैल्यू के आपस में बराबर हो जाएंगी क्योंकि ये क्वांटिटी निकलती ना, क्वांटिटी तो ये लिखी है इनके बगल में, तो x माइनस 10/18 इक्वल टू 1/9, अब 9 से स्क्वायर टू 2 आ जाएगा, x माइनस 10 इक्वल टू 2, तो x किसके बराबर आ जाएगा 12% के, x किसके बराबर आ जाएगा बेटा 12% के। इसका मतलब जो शेष बची मात्रा है वो कितने पे बेचनी पड़ेगी, उसको 12% पे बेचे तो उसको 10% का शुद्ध लाभ होगा, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं आ गया होगा समझ में अच्छे से आपको, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं आ रही है। अच्छा क्या इसका दूसरा मेथड हो सकता था क्या, क्या ऐसा कोई मेथड है जो इसमें और लग सकता था, तो देखिए एक और तरीका है, इसको हटा दें फिर हम बता दें आपको एक और दूसरा तरीका जो इससे छोटा भी हो सकता है, ठीक है, देखिए कैसे हम बताते हैं आपको, इसी 8th नंबर का 12% उसमें भी आंसर आएगा इसमें भी आ रहा है, देखिए क्या है तरीका, अगर 8th नंबर की बात करते फिर से, कह रहा है देखो पहले 10% उसने बेचा था तो 8% का उसको क्या हुआ है नुकसान हुआ है, फिर अब 90% को किसने भी बेचे कि उसका, अब ये क्वांटिटी हो गई 100% कि उसको 10% का प्रॉफिट हो जाए, यही तो कह रहा था क्यों भैया, यही तो कह रहा है कि 10% को उसको क्या हो जाए प्रॉफिट हो जाए। तो हम लोग कैसे कर रहे हैं, देखिए इस क्वेश्चन को ऐसे कर सकते हैं हम लोग कि भाई साहब यहाँ पे 10% वाला 8% पे बेचा है तो आ जाए कितना, यहाँ से देखिए 10%, अब इसको पहले काट लेते हैं, ये 1 आएगा, ये 9 आएगा और ये कितना आएगा 10 आएगा, कोई दिक्कत तो नहीं, इन दोनों का आपस में गुणा करा दो तो देखिए माइनस का 8 ही आएगा ना, यहाँ 9x हो जाएगा और यहाँ 10 × 100 हो जाएगा, इसको उधर भेजोगे 9x बराबर कितना आ जाएगा 108 के आ जाएगा, x बराबर 9 से भाग दो दोगे कितना आ जाएगा यहाँ से 12%, कोई दिक्कत तो नहीं आगे बात समझ में, ये भी एकदम सेम वही मेथड लेकिन कितना छोटा हो गया। तो देखिए दो तरीके हैं, अब आपको एग्जाम में कौन सा तरीका जल्दी याद आ जाए, अब आपको एलिगेशन आता है अच्छे तो एलिगेशन याद आ जाएगा, आपको सिंपल आता है तरीका तो सिंपल वाला याद हो जाएगा, ये शॉर्ट ट्रिक वाला मेथड है, ठीक है, दोनों तरीके हमने आपको बता दिए, जिससे आपको अच्छा लगे उससे आप कर लीजिए, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं, दो क्वेश्चन और नोट कर लीजिए आगे। वीडियो अच्छी लग रही है तो ज़रूर लाइक करके जाइएगा, ठीक, बिना लाइक किए ना जाइएगा और शेयर करके जाइएगा, कम से कम 1 लोगों को तो आप शेयर करा करिए, ठीक है, 1 बच्चा भी अगर देखेगा तो बहुत बढ़िया है, आपको भी दुआ देगा कि हाँ कम से कम आपने शेयर किया है हम आपकी बदौलत पढ़ पा रहे हैं, ठीक। और भी बहुत सारी स्पेशल क्लासेस आज ही आनी है तो सब्सक्राइब करके रखिए चैनल को और बेल आइकन भी क्लिक करके रखिए। इसका 9 नंबर देखते हैं, क्वेश्चन ज़्यादा गंदा हो गया है, चलिए कोई ना, 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हम कि पी की क्यू की दक्षता पी की 40% है, जो क्यू की दक्षता है पी की 40% है। अब देखिए ये क्वेश्चन भी कितने सिंपल होता है, ठीक है, 9 नंबर है क्वेश्चन साहब, ये कह रहा है आ रहा है 40% है, 40% को लिख सकते 2/5। अब कह रहा है पी और क्यू में भाई साहब लड़ाई चल रही है, कह रहा है कि पी क्यू की दक्षता पी की 40% है, इसका मतलब है कि क्या है पी की क्वांटिटी ज़्यादा है, पी की क्वांटिटी कितनी है ज़्यादा, तो पी कितने का होगा 7 का होगा जबकि क्यू कितने का होगा 5 का होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे ऐसा नहीं है, ये कह रहा है इतनी ज़्यादा नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं बोल रहा है, क्या कह रहा है समझिए मेरी बात ध्यान से, कह रहा है क्यू की दक्षता पी की 40% है, इसका मतलब है पी जो है ऐसा नहीं करेंगे अब इसको, पी 100 दिया गया है और क्यू कितना दिया गया है 40 दिया गया, 100 का 40%, अब इसको काट देंगे और कट जाएगा तो ये आएगा 5 और ये आएगा 2,
कोई दिक्कत तो नहीं। कह रहा है दोनों मिलकर एक काम को 12 दिन में पूरा कर लेते हैं, तो दोनों मिलकर 7 से 12 दिन में कर लेते हैं, 7 क्षमताएं हो गई इनकी, 12 दिन में काम हो गया, तो क्यों मिलके कितने दिन में 2 से भाग दे दोगे, 2 से काटोगे, 6 6 7 42 दिन आए उनसे। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, आ गया होगा समझ में अच्छे से। ठीक है, किसी को कोई भी दिक्कत नहीं। देखिए कितना छोटा होता है ये, अपने माइंड में भी आप कर सकते हैं कि भाई साहब दोनों मिला के 7 हो गए, 7 हो गए, तो अब 12 दिन में कर रहा है 2, अब देखिए क्यों की क्षमता कितनी है, ये 2 है, 2 से भाग दे दिए 12 में, 6 6 7 42 आंसर आ गया। ठीक है, उसके बाद देखिए 10वां नंबर कह रहा है क्यों की, ये हो गया साहूकार है उसने 15,000 रुपये, कितने एक क्वेश्चन गायब हो गया, 15,000 रुपये लिए हैं, उसको 3 ऋणों में बांटा है। देखिए ये क्वेश्चन ही बहुत बढ़िया है, ये क्वेश्चन भी ऐसे ही नॉर्मल लग जाएगा। कह रहा है 3:5, 5:7 है। अब देखिए पहले इनकी क्वांटिटीयां निकाल लेते हैं ताकि हम लोगों को आगे करने में कोई भी दिक्कत ना हो। तो देखते हैं क्वांटिटी कैसे निकालते हैं। देखिए सबसे पहले क्या दिया गया, 7 5 12 3 15, 15 का मान 15,000 का, इसका मतलब है 1 का मान किसके बराबर आएगा, 1,000 का जाएगा, तो इसका मतलब ये है 3,000, ये है 5,000 और ये है 7,000, कोई दिक्कत, 3,000 5,000 7,000, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। कह रहा है कि पहले वाले पे 10% का फ़ायदा होता है, मुनाफा होता है, ब्याज मिलता है, दूसरे पे 20% का ब्याज मिलता है, और तीसरे पे अब देना पड़ता है 28 सही 4/7%। देखिए इसको सॉल्व कर लोगे तो यहाँ कितना 194 196 और 4 200 से, कोई दिक्कत नहीं, आगे समझ में। अब देखिए भाग दे दीजिए इसका, इसमें भाग दोगे तो देखिए परसेंटेज हटाया 2 0 काटा 300 आ गया, प्लस परसेंटेज हटाया 2 0 काटा 5 2 1,000 आ गया। अब देखिए यहाँ कितना लिखा, ये 7 है, पहले 2 0 देखिए परसेंटेज हटाया 2 0 काट दिया, 7 से 100 काटोगे 1,000 आ जाएगा, 1,000 2 2,000 हो जाएगा, 2,000 ही हो गया, 2,000 3,000 और ये 3,300 रुपये, कितने देना पड़ता है 3,300 रुपये उसको ब्याज देना पड़ता है। आगे बात समझ में, कितना देना पड़ता है बेटा 3,300 रुपये, कोई दिक्कत तो नहीं। दोनों क्वेश्चन नोट कर लीजिए अच्छे से। अच्छा ये क्वेश्चन कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, आपको समझ में आ रहा होगा, जिसने जिसने बेटा क्लास अच्छे से ली है परसेंटेज की, कोई एक भी क्वेश्चन में एक जरा सी भी दिक्कत नहीं आई होगी। ठीक है, 1% की मतलब 0.0001% की भी दिक्कत नहीं आई होगी, जिसने रोज रेगुलर क्लास ली है। ठीक, और जिसने क्लास नहीं ली है, ऐसे आया अरे देख लेंगे बाद में, या प्रैक्टिस नहीं की है, कॉपी लेके नहीं बैठा है क्लास में, तो उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली है क्वेश्चन में। आ गया होगा, चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। ये सब एसटी के क्वेश्चन हैं, कुछ प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चन हैं, तभी मिसलेनियस नाम दिया है इसका, कि कहीं से भी हमने क्वेश्चन लिए हैं इसके, जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे, ठीक, पेपर में आए हुए क्वेश्चन थे, एसटी में आए हुए क्वेश्चन थे, कुछ आप लोगों ने भेजे थे क्वेश्चन, वो क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद एक और क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन है। क्या कह रहा है, 27.6 आपको दिख रहा होगा, 27.6 घंटे में 1200 किलोमीटर की दूरी को तय करती है कोई बस है। ठीक है, यदि यह 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति के साथ 60% दूरी तय करती है, तो शेष दूरी में इसकी गति क्या होगी। अब देखिए बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन आपका टाइम टेकिंग लेगा ऐसा आपको लगता है कि। देखिए टोटल कह रहा है टाइम कितना लगा है भाई साहब इसको, 27.6 घंटे लगे। ठीक है, 1200 किलोमीटर की दूरी थी। अब कह रहा है जो 60% दूरी है, 1200 का 60 720 आएगा, 1200 का 60% निकाल लो भैया कितना आएगा, 60% कर लो, यहाँ 60 हमने लिख दिया 60%। ठीक है, परसेंटेज कर लेना, 0 0 कट जाएगा, 1272 आ जाएगा। ठीक है, इतनी 720 किलोमीटर की दूरी वो 40 की स्पीड से आई है, 0 0 कट दिया, 1872 होता है, 18 घंटे लग गए उसको। तो कह रहा है शेष दूरी वह किस स्पीड से आई होगी। अब देखिए इसी में क्वेश्चन में हम लोग कर सकते हैं, शेष दूरी कितनी बची, 720 आ चुकी है, 500 में 520 कम 480 दूरी बची है, कितने घंटे लगेंगे समय, देखिए 18 घंटे तो यहाँ लग चुके हैं, तो यहाँ कितने घंटे लग रहे हैं बेटा, 9.6 घंटे, कितने लग रहे हैं 9.6, 10.6 हटा दिया, ये इसका 2 बार होता है, 2 से 100 काटोगे 2 बार इसको काट दोगे, कितने घंटे लग जाएंगे बेटा, ये सॉरी कितने किलोमीटर से आ रही है, 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये SBI क्लर्क का पेपर क्वेश्चन है ये। ठीक, आगे होगा समझ में आपको एकदम आराम से। ठीक, एक और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत बेहतरीन वो भी क्वेश्चन है, उसकी भी बहुत बेहतरीन शॉर्ट ट्रिक है, जैसा अभी इसके पहले वाला क्वेश्चन बताया था 2 ट्रिक्स है, वैसे ही वो भी कह रहा है कि हमने ये बताया था पेपर अपनी क्लास में, शायद 4th क्लास थी, परसेंटेज एक्सरसाइज वाली 78 नंबर क्वेश्चन है बुक का।
ठीक, SSC 2005 में पूछा गया है क्वेश्चन, ये कह रहा है एक व्यक्ति की मासिक आय 13,500 रुपये है तथा वह उसका मासिक व्यय, अब देखिए 78 नंबर है तो हम 12 नंबर यहाँ ले रहे हैं, देखिए क्या कह रहा है समझिएगा, उसका एक्सपेंडिचर और सेविंग और इनकम, ये तीन चीज़ें होती हैं बेटा, ठीक है। अब उसका व्यय देखिए कह रहा है कि 13,500 उसकी मासिक इनकम है, 13,500 रुपये, एक्सपेंडिचर कितना है 9,000 है और सेविंग कितनी है, सेविंग अब इन दोनों घटा लो 4,500 आ जाएगी। अब देखिए ये क्या कट सकते हैं क्या, ये 45 ही सब कट जाएंगे, 45 तिया होता है, 45 इकन्नम 45 और 45 दूना, तो ये अनुपात आ गया है ये, ठीक है, दो और एक को जोड़ेंगे तो तीन आ जाएगा। अब कह रहा है भाई साहब अगले वर्ष उसकी मासिक इनकम 14% की वृद्धि हुई, इनकम में 14% की हुई है वृद्धि, ठीक है, और कह रहा है कि व्यय में 7% की वृद्धि हुई, व्यय जो था उसका 7% ये बढ़ गया है, ये 7% बढ़ा है, तो बताना है कि सेविंग कितनी बढ़ेगी आपको ये बताना है, एकदम सिंपल 7 × 2 = 14 होगा, ये नहीं पता है, 14 × 3 = 42 आ जाएगा, एक्स में इसको घटा दोगे 14 को, आंसर कितना है 28% बढ़ जाएगा, कितना जाएगा इसका खर्च, कितना सेविंग कितनी बचेगी बढ़ जाएगी 28% बढ़ जाएगी, ठीक है। आगे बात समझ में, तो जितने भी मिसलेनियस क्वेश्चन थे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे, पेपर में आए हुए क्वेश्चन थे, वो मैंने पूरे बता दिए आपको, हो उम्मीद करते हैं कि आपको पूरा वीडियो समझ में आया हो। अच्छा, जिसको समझ में नहीं आया उसके लिए क्या, पहले देखिए जितने भी हम लोगों ने वीडियो परसेंटेज के बनाए हैं, वो पूरे वीडियो अच्छे से आप प्रैक्टिस करिए, करिए क्वेश्चन, जिसके पास बुक नहीं है फ्री में डाउनलोड करिए, फिर उसके बाद ये वीडियो आप देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आने वाला है। हम बता चुके हैं आपको जो अपना एम है परसेंटेज को लेके, 10 सेकंड के ऊपर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाना चाहिए सॉल्व करने में, पढ़ने लिखने की बात नहीं बता रहे हैं, सॉल्व करने में 10 सेकंड के ऊपर आपको समय नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिए, अपने कम से कम एक दोस्त में शेयर कीजिए, कम से कम एक दोस्त में, बाकी जितने दोस्त हैं आप उसमें शेयर करेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। सब्सक्राइब करके देखिए क्योंकि स्पेशल क्लासेस बहुत सारी हम लोग संडे को लाते हैं, ठीक, आज भी बहुत सारी आने वाली क्लासेस हैं तो आपको मिलती रहेंगी। सब्सक्राइब करके देखिए, बेल आइकन को क्लिक करके देखिए, कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके जरूर बताइए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर पर रहिए, पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए।